हे गाइस, मैं हूँ शबनम। स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं दिखाने वाली हूँ फ्लिपकार्ट शॉपिंग हॉल। मैंने कुछ फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट बाय किए थे जो मुझे बहुत टाइम पहले रिसीव हो गया था और मैंने उसको यूज़ भी किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट जो आज मैं इसका हॉल करने वाली हूँ और थोड़ा बहुत रिव्यू। फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये आई शेडो पैलेट। और आई शेडो पैलेट जो मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से और इसका नाम है वेट एंड वाइल्ड। इसका प्राइस था कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन मैंने जब इसको लिया था 350 रुपीज़ पे मैंने इसको लिया। और ये अंदर से ऐसा है, ये थोड़ी सी, ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की है, ये ब्लैक, ये डार्क ब्राउन, देख सकते हैं। इसकी जो पिगमेंटेशन है बहुत ही अच्छी है। इसमें टोटल आपको मिल रहे हैं 10 शेड्स मिल रहे हैं इसमें। और ये जो है ये मेरे हाथ से गिर गया था जब तक ये टूट गया था। तो इसमें आपको मिल रहा है 4-5 कलर, इसमें आपको सिमर मिल रहा है और बाकी सारे कलर जो है वो मैट कलर के मिल रहे हैं। ये कलर, ये और ये तीनों ही है, तीनों ही सिमर कलर की है। मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया और ये बहुत अच्छी कलर है। इस कलर से आप आईब्रो फील कर सकते हैं। इस कलर से अगर आपके आईब्रो इस तरह के कलर में है तो आप ये कलर से आईब्रो फील कर सकते हैं। और ये डार्क ब्राउन कलर के में है। ये अगर आप अगर आईज़ में आउटलाइन बना रहे हैं तो ये इस कलर से अच्छे से बना सकते हैं। और ये एक पाउडर की तरह है, जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर है तो उस तरह है ये कलर। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया। इसका प्राइस है 350 रुपीज़। सेकेंड प्रोडक्ट है मेरे पास एक हाइलाइटर। ये है सिवाना कलर सिमर ब्रिंक। इसमें टोटल 5 कलर्स है, डार्क टू लाइट टू डार्क कलर में, मतलब जो फेयर स्किन होते हैं ना उसके लिए है। आप अगर आपकी स्किन अगर लाइट है तब भी आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। जो ये थोड़ा सा गोल्डन है, बीच का जो कलर है वो रोज़ गोल्डन है। कहाँ लगा के दिखाऊं यहाँ पे, ये कलर है, ये सारे जो कलर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे कलर में है। आपकी स्किन किसी भी टाइप में हो, किसी भी कलर में हो, तो आप इस कलर को अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसका प्राइस है 250 रुपीज़। और ये भी मैंने, ये सारा प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है। अगर आप बिगिनर हो और एक अच्छा सा हाइलाइटर लेना चाहते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा हाइलाइटर पैलेट लो, ताकि इसमें बहुत सारे 5 कलर्स है, आपकी स्किन टोन के साथ अच्छे से मैच हो जाएंगे। कोई भी एक कलर इसमें से तो आपको मैच हो ही जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अगर बिगिनर हो तो फर्स्ट आप ट्राई कीजिए कि आप पैलेट लो, जितना भी मतलब कम रेंज में होता है ना वो सारा प्रोडक्ट आप यूज़ करो। लेकिन ब्रांड थोड़ा अच्छा हो लेकिन पैसे जो होते हैं वो कम हो। फ्लिपकार्ट और अमेजोन में आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाते हैं हमेशा ही। ये था मेरा सेकंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट मैंने लिया था ये कॉम्पैक्ट पाउडर। ये है मैबलिन न्यू वर्क। इसको मैंने यूज़ कर लिया है, बहुत बार यूज़ किया इसको। उस दिन मैंने जब कॉलेज गोइंग मेकअप लुक में दिखाया था उस टाइम मैंने यही वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया था। इसका ओरिजिनल प्राइस तो ज़्यादा है लेकिन जब मैंने इसको ख़रीदा था 120 रुपीज़ में इसको मैंने लिया था। और ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है। फोर्थ प्रोडक्ट मैंने लिया था वहाँ से, ये फाउंडेशन। ये है फिट मी का, मैबलिन न्यूयॉर्क के फिट मी
फाउंडेशन है और ये एक नॉर्मल जो ऑयली स्किन तो उनके लिए है। अगर आपकी स्किन तो नॉर्मल है या ऑयली है तब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मेरा शेड है 310, ये उल्टा दिख रहा है लेकिन 310 है ये मेरा शेड। और फाउंडेशन बहुत ही अच्छा था, मैंने इसको बहुत टाइम यूज़ भी किया है, देख सकते हैं ये कलर। फुल कवरेज देगा अगर आपके फेस में पिगमेंटेशन है, थोड़ा सा डार्क सर्कल है। वैसे तो डार्क सर्कल के लिए आपको कोई भी कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है इसको ही आपको दो बार यूज़ कर सकते हैं, एक बार फेस में और एक बार आप डार्क सर्कल में यूज़ कर सकते हैं। ये फिट मी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मुझे ये बहुत पसंद है। ये नेक्स्ट मैंने वहाँ से लिया था एक सनस्क्रीन, इसको भी मैंने एक बार दिखाया था शायद मैंने आपको। ये है लैक्मे सन एक्सपर्ट, ये है इसका SPF 50 और इसको मैंने लिया था करीबन कुछ इसका प्राइस कितना था मुझे याद नहीं है। मैं ट्राई करूँगी कि सारे जो प्रोडक्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, एक बार चेक कीजिएगा वहाँ जाके। ये अंदर से इसका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और इसको लगाने के बाद ही तुरंत ही थोड़ा सा फेस में ना जैसे कि ग्लोई जैसा हो जाता है ये पूरा प्रोडक्ट। तो ये था नेक्स्ट मैंने वहाँ से लिया था लिप लाइनर, जो 12 का एक कॉम्बो मिला था मुझे। ये है पूरा, इसमें बहुत सारे कलर है, रेड है, पिंक, बेबी पिंक है और ये रेड कलर, ये पिंक कलर का है, ये न्यूड कलर का है, ये डार्क ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है, ये बहुत सारे इसमें कलर अवेलेबल है। आपको एक पैक, इसका जो आउटर पैकेज था वो मैंने कहीं फेंक दिया, अभी तो नहीं मिल सकते। तो ये सारा था उसमें, 12 टोटल उसमें मुझे 12 मिला था और इसका प्राइस था 150 रुपीज़। हाँ 150 रुपीज़ में लिया था, ये पूरा कॉम्बो मैंने 150 में लिया था और मुझे लगा ये बहुत अच्छा डील है क्योंकि इसमें आपको जितने भी मिल रहे बहुत अच्छे सारे के सारे जो कलर्स है बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पिगमेंटेड है सारा कलर, बहुत ही पिगमेंटेड है और मैंने इसको बहुत बार यूज़ भी किया है। आप इसको एज ए लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास लिपस्टिक नहीं है या नहीं लगाना चाहते तो आप ये लगा सकते हैं, कितना अच्छा कलर है इसमें। और सारे कलर ही बहुत अच्छे हैं, तो इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट मैंने वहाँ से लिया था एक लॉरियल एक्सटेंशन हेयर केयर के लिए जो कंडीशनर मिलता है वो मैंने लिया था और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ख़राब प्रोडक्ट मिला मुझे वहाँ फ्लिपकार्ट से। बाकी जो मैंने लिया था वो बहुत अच्छा था लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा जो डुप्लीकेट माल होता है ना उस टाइप का, ये देख सकते हैं ये मुझे ओरिजिनल नहीं लगा, ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे ही कुछ मिला के दे दिया होगा। इसका प्राइस था 675 रुपीज़ और मुझे ये मिला था 330 रुपीज़ में मिला था और इसके साथ एक दिया था ये एक ब्रश है, ऐसा ब्रश मिला था मुझे उसके साथ फ्री मिला था। मुझे ऐसा ही लगा कि मतलब मैंने जो 330 रुपीज़ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था वो ऐसे ही गया, कोई काम का नहीं था।
तो मैंने इसको थोड़ा 2-3 बार इसको मैंने यूज़ किया और करने के बाद मैंने नहीं किया, अभी भी है इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। उसमें से मैं यही कहूँगी कि आप कंडीशनर अगर ले रहे हैं लोरियल का इतना दाम का ले रहे हैं तो आप लोकल मार्केट से ले, फ्लिपकार्ट से ना ले, बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। दूसरा ले सकते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा मिलता है, लेकिन ये एकदम अच्छा नहीं है। और वहाँ से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट लिया था, लेकिन एक वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैंने इसको पार्ट कर दिया है, अलग अलग वीडियो में इसको मैं दिखाऊँगी। लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास ये मेकअप ब्रशेस है ये, और ये बहुत सारा मेकअप ब्रशेस है, ये टोटल इसमें 32 ब्रशेस हैं। और इसका प्राइस था बहुत ज़्यादा दिखा रहा था उस टाइम, 1000 दिखा रहा था। मैंने जब लिया था सारा जो लिया था उस टाइम ये मुझे मिला था 650 रुपीज़ में मुझे मिला था ये। और ये पूरा ऐसा इतना सारा इसमें मिल रहा है, मैं सारा तो नहीं दिखा सकती, मैं थोड़ा सा इसमें दिखाने की ट्राई करूँगी। और इसमें ये मिलता है फैन ब्रश, आप यहाँ इससे हाइलाइटर लगा सकते हैं, आपको एक फ्लफी ब्रश मिलता है जो फाउंडेशन आप पाउडर वगैरह लगा सकते हैं इससे, एक ये ऐसा ब्रश मिलता है जो फाउंडेशन लगा सकते हैं, ये एक एंगल ब्रश मिल रहा है ताकि आप यहाँ से इस ब्रश से आप ब्रश लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेस मिल रहे हैं, आईब्रो फिल करने के लिए ब्रशेस मिल रहे हैं, फिर आईलाइनर लगाने के लिए, काजल लगाने के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए, कंसीलर लगाने के लिए, मतलब इतना सारा मिल रहा है ना। और अच्छी बात ये है इसमें आपको ये भी मिल रहा है, आपको आईब्रो को कॉम करने के लिए आपको पोली भी मिल रहा है, इतना सारा मतलब मिल रहा है वहाँ से। मैंने इसको बहुत बार यूज़ भी किया है, बहुत पहले ख़रीदा था तो मैंने इसको बहुत बार यूज़ भी कर लिया है। सारा ब्रशेस तो मैंने यूज़ नहीं किया, थोड़ा बहुत ब्रशेस यूज़ कर लिया है, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा दिल था मेरे लिए, और इसके साथ आपको रखने के लिए एक अच्छा सा बैग भी मिल रहा है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, ये दिल मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। तो यही था मेरा फ्लिपकार्ट हॉल, अब बताइए कि आप लोगों को मेरा ये हॉल कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट है वीडियो के लिए वो भी डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि वो सारे मैं कर सकूँ जो भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके लिए इतना ही, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, बाय बाय।